सो दोस्तों मैं हाँ ताड़ा दोस्त ते होस्ट गुरमीत निज्जर अज साडे नाल ने गिटार दे ओ मास्टर जिन्हां ने एक बरीकी दे नाल इस नूं बजाउणा सिख्या ते गलबात करदे आ ते उहनां दे नाल। मेरा नाम जी सज्जाद खान है। ते कहां के रहने वाले हैं? आई एम फ्रॉम बंगाल। तो आपको ये शौक गिटार का किस उम्र में और कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली जो इसका शौक है वो मुझे आज से 2 साल पहले पड़ा था। तो मुझे एक्चुअली बजाना भी नहीं आता था, मुझे सिर्फ पता था कि मुझे गिटार लेना है। तो उसके बाद मैंने ये यूट्यूब से बजाना सीखा और अब मेरा वोकल पे पूरा ध्यान है। तो आप कहाँ कहाँ पे जाके इसका जो हुनर है उसको पेश कर रहे हैं? आज तक तो कहीं नहीं, क्योंकि बस यहाँ के मुझे जो मेरे फ्रेंड हैं उनने मुझे चांस दिया यहाँ पर, और मैं मतलब बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आया था और मुझे वो मौका दिया गया, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। बंगाल से यहाँ पंजाब में आना कैसे हुआ? एक्चुअली जो है मेरी पैदाइश यहीं पे है, तो वहाँ पे एक्चुअली उस टाइम में ज़्यादा काम नहीं होता था, तो डैड मेरे यहाँ पर काम करने आए थे, तो जॉब के सिलसिले में यहाँ आना हुआ। तो उसके बाद पैदाइश भी हमारी यहीं की है, हम लोग यहीं पर पले बढ़े हैं, तो यहीं से है शुरू से। तो आपने कितनी क्लास तक शिक्षा ग्रहण की है? मैं प्लस टू पास हूँ और अभी मैं ITI का कोर्स कर रहा हूँ फिटर से। तो घर में कौन कौन है आपके? घर में एक मेरा मॉम डैड है और एक मेरा ब्रदर है। तो क्या इस उम्र में आके आप कोई काम की जगह पे इस लाइन में जा रहे हैं, तो इस लाइन में आगे क्या आपको कोई स्कोप नजर आ रहा है? यस, मुझे सब कुछ, मेरा फ्यूचर ही मुझे म्यूजिक में दिखता है एक्चुअली, और मैं चाहता हूँ कि मैं इसे अपना पैशन बना के रखूँ और प्रोफेशन भी बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। तो कोई और आगे का प्लान कोई? हाँ, बस ये है कि अब रियाज करना है अच्छे से, 2.5 से 3 साल लगातार रियाज करके उसके बाद मैं किसी रियलिटी शो में ट्राई करना चाहूँगा। सो दोस्तों जिस तरह तुसी सुनिया ने दिल दियां गल्लां, तो तुहाडे नाल असी हमेशा बना रहांगे ते तुसी देखना नहीं भुलना फॉक्स पंजाबी।